आज एक बार फिर से कसौली छावनी के नव निर्मित बस स्टैंड व मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के कारण रद्द हो गया है। आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर्गवास के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस कारण अब अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कोई भी समारोह आयोजित नहीं हो सकता। आज इसका उद्घाटन GOC पश्चिम कमान व डायरेक्टर पश्चिम कमान द्वारा होना था। छावनी परिषद CEO ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के कारण यह समारोह नहीं होगा। आज कैंटोनमेंट में इनॉग्रेशन होने वाला था मल्टी लेवल पार्किंग का, उसको अभी हमने स्थगित कर दिया है। जैसे कि हमारे पूर्व CM वीरभद्र जी का देहांत होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने 3 दिन का शोक प्रकट किया है, तो अब हम फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले वीक में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। मैम वीकेंड पे अक्सर देखा जाता है कि सैटरडे संडे वाले दिन पार्किंग की बड़ी समस्या आती है टूरिस्ट को ले। मैम जैसा कि एक आर्मी के पास भी ग्राउंड है बिजली दफ्तर के साथ, मैम वो भी आर्मी ने बंद कर दिया है, आप चाहे तो उसे खुलवा सकते हैं मैम पार्किंग के लिए। जो आप जिस ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं वो A1 लैंड है, तो उस पर तो फिलहाल पार्किंग अभी नहीं हो सकती है। और जो कि अगर ऐसा होता है कि ये इनॉग्रेशन अगर आगे पोस्टपोन हुआ तो हम इसको ट्रायल बेसिस पे हम ओपन कर देंगे, कोशिश करेंगे कि ओपन करेंगे। नहीं तो फिर अगर इनॉग्रेशन की डेट पहले आ जाती है तो उसके बाद तो फिर ये सोल्यूशन निकल जाएगा। मैम कब तक हो सकता है मैम उद्घाटन? अब उद्घाटन डिपेंड करता है, अब जैसे हमें ये बोला गया है शायद 3 दिन बाद या आने वाले वीक में, तो अभी मैं कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकती। दिव्य हिमाचल TV के लिए कसौली से नितिन साहू की रिपोर्ट।